मैं कन्हैया कुमार झा आप लोगों को गायत्री अकेडमी शोभनी के क्लास में स्वागत है। पूर्ववत में आप लोगों को हम स्वर संधि के विषय में बताए थे। स्वर संधि के पांच भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयन संधि और अयादि संधि। आज हम आपको व्यंजन संधि के विषय में बता रहे हैं। व्यंजन संधि जब स्वर वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण का मेल हो और उससे जो विकार उत्पन्न हो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि का उदाहरण है जैसे सत जोड़ चरित्र, सत चरित्र, तत जोड़ लीना, तल्लीना, जगत जोड़ अम्बा, जगदम्बा। अब क्या है, व्यंजन संधि के सूत्र जो है निम्नलिखित हैं। पहला सूत्र जो है आपको हम बताए हैं, अस्तो अश्चुना अश्चु। इसमें कहता है क्या, दंत स के बाद चवर्ग का कोई वर्ण रहे तो दंत स का तालब्य स हो जाता है। जैसे जैसे रामस जोड़ सेते, उदाहरण स्वरूप जैसे रामस जोड़ सेते क्या बन जाएगा, रामस सेते। उसी तरह से रामस जोड़ चिनोती बनेगा रामस चिनोती। तो आप देख रहे हैं क्या कि यहाँ दंत स्व का क्या हो रहा है, तालब्य स्व हो रहा है, रामस शेते हो गया है। उसी तरह से यहाँ पर रामस जोड़ चिनोती में रामस चिनोती हो गया, तालब स्वच मिल गया है। यानी आपको पहले ही बता दिया परिभाषा में क्या कि दंत स्व के बाद चवर्ग का कोई वर्ण रहे तो उसका तालब्य स्व हो जाता है। तो समझ गए बच्चों, अब हम इसी सूत्र में और आगे बताते हैं। प्यारे बच्चों, अस्तु अश्चुना यस्तु सूत्र में दूसरा बात जो है वह कहता है क्या कि तवर के बाद किसी वर्ण के साथ चवर का योग होने से तवर का चवर्ग हो जाता है। जैसे सत जोड़ चरित्र, सच्चरित्र, उसी तरह से हो जाएगा उत्जोड़ चारणम, उच्चारणम, महत्सत जोड़ जना, सज्जना, उत्जोड़ ज्वला, उज्ज्वला इत्यादि। अब दूसरा जो है सूत्र जो है वह है आपको झलाम जशो अंते, झलाम जशो अंते। झलाम जशो अंते में कहता है क्या, वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, प्रथम वर्ण के बाद किसी वर्ग का, किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण रहे, तृतीय या चतुर्थ वर्ण रहे तो तथा अंतस्थ वर्ण रहे तो प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है।
जैसे यथा वाक जोर हरि। यहाँ पर कहता है क्या कि प्रत्येक वर्ग के वर्ग तो बता दिए हैं, कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग, तो प्रत्येक वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, प्रथम वर्ण के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण रहे या अंतस्थ वर्ण रहे, जैसे य रो ल व, या उष्म वर्ण रहे शीतालभ्य मूर्धन्य दंत्य और हो में से जब कोई भी वर्ण रहे तो उस प्रत्येक वर्ग का पहले वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे वाक जोर हरि है तो क्या हो जाएगा, वाग हरे, वाग हरे। उसी तरह से हो जाएगा जगत जोड़ अत्र, जगदत्र। अगला एग्जाम्पल बनेगा जैसे दिक जोड़ अंबर, दिगंबरा। वाक जोड़ ईसा, वाक जोड़ ईसा, वाग ईसा। सत जोड़ उपति, सदुक्ति। अब बच्चों अगला सूत्र पर हम पहुंचेंगे। अगला सूत्र है आपको यरो अनुनासिका अनुनासिकोवा, सूत्र नंबर 3। यरो अनुनासिका अनुनासिकोवा, यह सूत्र में जो है आपको कहता है क्या, यदि यदो अनुनासिका अनुनासिको वा में कहता है यदि किसी पद के अंत में अ और ह हो को छोड़कर कोई व्यंजन वर्ण हो तो उसके आगे वर्गों का पांचवा वर्ण हो। पांचवा वर्ण में क्या, जैसे क ख ग घ के बाद पांचवा वर्ण क्या आता है, अंग आता है, अय आता है, मूर्धन न हुआ, दंत न हुआ, मो हुआ, तो पांचवा वर्ण हो तो उस वर्ग का जो है पांचवा वर्ण ही हो जाता है। तो उस वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। जैसे यथा तत्जोड़ मात्रम, तत्जोड़ मात्रम। यहां हम देख रहे हैं क्या कि तो, और यहाँ जो है पांचवा वर्ण है प फ व भ म, म क्या है पांचवा वर्ण है, लेकिन इसी वर्ग का जो है पांचवा वर्ण यहाँ हो जाएगा तत्जोड़ मात्रम, तो तन मात्रम। इसी तरह से जो है आपको जगत जोड़ नाथ है, जगन्नाथ है, उत्जोर नते, उन्नते, समजोर धे, संधे, सतजोड़ मित्रम,
सन्मित्रम। तो प्यारे बच्चों इसको जो है अयरो अनुनासिके अनुनासिको वा इस सूत्र से आपको जिसे एग्जाम में पूछेगा तन मात्रम दे देगा, क्या कहेगा क्या इसका संधि विच्छेद करने के लिए तो लिखना क्या है तत्जोर मात्रम। पूछ देगा क्या क्या कि यह किस संधि का उदाहरण है तो हमको लिखना है व्यंजन संधि लिखना है। दे देगा क्या जगत जोर नाथ इनसे कौन सा शब्द बनेगा तो हमको लिखना क्या है जगन्नाथ है, क्योंकि अब जो है मौखिक यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है आधा आपको पूछे जाते हैं उसमें आपको संधि से जो है 5 नंबर निश्चित ही है कि पूछे जाएंगे ही, समझ गए ना। तो अब हम अगला फिर चलते हैं, एक सूत्र है अष्टुना अष्टु। प्यारे बच्चों अगला सूत्र है अष्टुना अष्टु जिसको हम लोग कहेंगे स्वकार यानी दंत स्वकार या तवर के साथ मूर्धन स्वकार या तवर का योग होने से मूर्धन स्व और तवर का तवर्ग हो जाता है, जैसे यथा बीस जोड़ थम क्या हो जाएगा पृष्ठम, इसी तरह से हो जाएगा सस जोड़ थ षष्ठ तत जोड़ टीका तत्टीका उत्कृष्ट जोड़ तह उत्कृष्ट। तो प्यारे बच्चों आज आपको हमने व्यंजन संधि में 4 सूत्र बताए हैं, नेक्स्ट फिर अगले क्लास में बताया जाएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें जिससे हमारा